हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डन जय विद अलहम। तो आज के वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आज मैं फर्टिलाइज़र लेके एक अच्छा चमकदारी फर्टिलाइज़र लेके आया हूँ जो आपके प्लांट को फ्लावरिंग और फूलों से भर देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका पूरा प्रोसेस। उससे पहले उसका मैं रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से डालने के बाद मेरे प्लांट में फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग हो रही है और कलियाँ भी। तो ये है मेरे फर्टिलाइज़र के डालने का बाद का रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में डॉर्मेंसी के बाद आप देख सकते हैं वो फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद मेरे प्लांट में देखिए किस तरह से हर एक टिप पर गुच्छों में फूल आए हुए हैं। ये मेरा चांदनी का प्लांट है और इसमें देख सकते हैं फ्लावर भी खिले हुए हैं काफ़ी सारी। हर एक टिप में आप देख सकते हैं ब्रांच में कलियाँ ही कलियाँ हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा एक जैस्मिन का प्लांट है और इसमें देखिए इसमें भी काफ़ी सारी कलियाँ आई हुई हैं टिप पे। वैसे तो इसमें फर्टिलाइज़र दिए हुए मुझे अभी 3 ही दिन हुए हैं और ये कितने ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और ये देखिए हर एक टिप में इसमें भी कलियाँ ही कलियाँ आई हुई हैं। तो ये एक इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है जिसको आप डालने के बाद अगर कोई भी प्लांट आपका फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है तो उसमें भी काफ़ी सारे फ्लावरिंग आपको मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। बहुत आसान है, आप घर पे ही इसे तैयार कर सकते हैं कम पैसे में और बहुत आसानी से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरा वो फर्टिलाइज़र, इसे बनाए हुए मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पानी ने अपना कलर चेंज कर चुका है। और ये किस चीज़ का फर्टिलाइज़र है, ये है केले के जो छिलके होते हैं उसका फर्टिलाइज़र है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये सारा फर्टिलाइज़र मेरा तैयार हो चुका है। बहुत आसान है इसे बनाना, आपको मैं अभी बताता हूँ पूरा प्रोसेस इसको कैसे बनाना है। और तो मैं इसको आपको पौधों में डालने का भी प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं 4 लीटर पानी ले लिया हूँ और आपको इसमें अब केले के छिलके डालने हैं। तो देखिए ये 3 केले के छिलके हैं मेरे पास बिल्कुल फ्रेश। तो अब हम इसको डालते हैं पानी में। ये देखिए अब इसको पानी में मैंने डाल दिया। अब इसे आप 2 हफ्ता किसी भी चीज़ से ढक करके आप इसे रख दें। जब ये आपका प्लांट फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा तो इसका कलर आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये ब्राउन कलर में धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे डालना है। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना होगा। तो जैसे कि देखिए ये भी मेरा प्लांट है और इसमें आप देखिए मिट्टी मेरी बहुत सूख गई है। तो सबसे पहले आपको इसको एकदम अच्छे से 1 इंच खोदना है। ये देखिए अच्छे से जब इसकी गोडी कर देंगे आप तो इसका एरेशन अंदर तक जा सकेगा। ये काम आपको जब आप फर्टिलाइज़र डालो तो 1 दिन पहले आपको ये काम करना है। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। इसीलिए आप 1 दिन पहले आप इस तरह से इसे गोडी कर ले जिससे इसकी मिट्टी सूख जाए और आप फिर हम अब इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो ये मेरा वही फर्टिलाइज़र है तैयार हुआ, अब हम इसको डालते हैं। ये मेरे पास 1 कप है, आप किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर छोटा गमला है तो आप कम लें, बड़ा गमला है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये मैं इसे अब डालता हूँ अपने प्लांट पे। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से डाल दिया हूँ और देख सकते हो जितना आप इसे आप चाहिए फर्टिलाइज़र उतना ही वो लेगा, बाकी जो भी फर्टिलाइज़र वेस्ट होगा उसे ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम से निकाल देगा। ये देखिए ये मेरे ड्रेनेज सिस्टम से ही निकला हुआ पानी है नीचे से। तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आपको 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मैं आपको रिज़ल्ट के साथ आपको मैंने दिखाया है। तो आप भी इस तरह से यूज़ करें और जिस पौधे में आपके फ्लावरिंग या नहीं हो रहा है तो उसमें भी आपके फ्लावरिंग 100% श्योर हूँ मैं आएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे आप यूज़ करने के बाद आपको सक्सेस भी मिलेगा।